अमेरिका की सड़कों पर इन दिनों जिस तरह की हिंसा कायम है उसका कारण केवल पुलिस की एकमात्र हैवानियत नहीं है बल्कि वर्षों से यहाँ रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा है। मौजूदा समय में जिस नस्लवाद से अमेरिका गुजर रहा है उससे एक बार ये विश्वास करना कठिन हो जाता है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। हमारा देश भारत भी पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखता आया है। हाल ही में दिल्ली में हुई हिंसा की तस्वीर अमेरिका में हुई हिंसा की तस्वीर से कुछ अलग नहीं थी। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह एक पुलिस वाले ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर घुटना रखा जब तक कि वह मर नहीं गया। फ्लॉयड कहता रहा आई कांट ब्रीद, जिसको अब अमेरिका में प्रोटेस्टर्स ने एक नारा बना लिया है। दूसरी तरफ एक वीडियो जो दिल्ली हिंसा के समय की वायरल हुई थी, कुछ लड़के जख्मी हालात में जमीन पर लेटे हुए हैं, उनके आसपास पुलिस खड़ी है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उन्हें जख्मी हालात में जन गण मन गाने के लिए बोलते जा रहे हैं। आजादी। पहले जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु की बात करते हैं। द स्टार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन और उनके साथी तीन और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए गए हैं और उन्हें डिसमिस भी कर दिया गया है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिकी प्रशासन के विरोध में नारे बुलंद करते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस अपने घुटनों पर बैठकर लोगों से माफी मांगते भी दिखाई दे रही है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां ये तक कह दिया था कि इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन्हें मिलिट्री का सहारा लेना पड़ सकता है। I am taking immediate presidential action to stop the violence and restore security and safety in America. I am mobilizing all available federal resources, civilian and military, to stop the rioting and looting, to end the destruction and arson, and to protect the rights of law-abiding Americans, including your Second Amendment rights. अमेरिका के एक राज्य के पुलिस चीफ ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति को कहा कि अगर आप काम की बात नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद ही रखिए, जिसकी जानकारी विनोद दुआ ने अपने शो में भी दी। मुझे इस देश के पुलिस प्रमुखों की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति से केवल ये कहना है कि बराए मेहरबानी अगर आपके पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है या रचनात्मक नहीं है तो अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि आप नौजवान पुरुषों और महिलाओं को उनके शुरुआती सालों में ही उनकी दशा को जोखिम में डाल रहे हैं। ये हावी होने के बारे में नहीं है मामला कि हम हावी हो जाएं या वो हावी हो जाएं, ये दिल और दिमाग जीतने का मामला है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि दया को कमजोरी ना समझा जाए, यहाँ पर वो प्रदर्शनकारियों से कह रहे हैं, लेकिन हम अज्ञानता के कारण ह्यूस्टन को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। मेरे सहकर्मियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा जो पूरे देश में काम कर रहे हैं,
उनके ऑफिसर जख्मी हो रहे हैं, कम्युनिटी मेंबर्स जख्मी हो रहे हैं। अगर आपके पास, फिर ये डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं, अगर आपके पास फॉरेस्ट गंप की तरह, फॉरेस्ट गंप एक फिल्म के कैरेक्टर थे जिनके पास बोलने को कुछ नहीं था, अगर आपके पास फॉरेस्ट गंप की तरह बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप कुछ मत कहें, अपना मुँह बंद रखिए, क्योंकि एक लीडरशिप का बुनियादी सिद्धांत है। इस समय हमें सबसे ज़्यादा लीडरशिप की ज़रूरत है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हम किसी के लिए भी वोट करें या ना करें, फिर भी राष्ट्रपति तो हमारा ही है। ये समय है राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाने का, ना कि ये दिखाने का कि आप नौसिखिए हैं, अनाड़ी हैं। ये हॉलीवुड नहीं है, ये वास्तविक ज़िंदगी है, असली ज़िंदगी है, और जाने जोखिम में है। मैं अमेरिकी लोगों से कहता हूँ कि कृपया पुलिस के साथ जुड़ें, साथ खड़े हों, आइए इसे वहाँ शिफ्ट करें जहाँ इसकी ज़रूरत है, वोटिंग बूथ तक। अपने दिल की सुने और ध्यान से लोगों को चुने, क्योंकि इस वक्त देश में बहुत से लोग हैं जो ईंटें फेंक रहे हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कभी वोट देने की जहमत नहीं उठाएंगे। आपके पास विकल्प है, अपनी आवाज़ उठाएं, वोट करें, वोट करें और शांति से मार्च जारी रखें, ताकि खराब पुलिसिंग, अपराधी पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित रहे। पूर्व US वॉर जनरल जेम्स मैथिस ने ट्रंप की काफी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे जीवन काल में पहले राष्ट्रपति हैं जो अमरीकी लोगों को एकजुट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह तो कोशिश करने का दिखावा भी नहीं कर रहे, इसके बजाय वह हमें विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें विरोध प्रदर्शनकारियों पर अपनी प्रतिक्रिया में सेना को तैनात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय हमें एक सांझे उद्देश्य के लिए एकजुट होने की जरूरत है, और ये तभी संभव है जब हम सब कानून की नजरों में एक समान होंगे। हमारे भारत में कभी अल्पसंख्यकों, दलितों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर क्या कभी कोई सड़कों पर उतरा, जैसे अमेरिका में हो रहा है? हमने देखा जब लॉकडाउन हुआ कैसे घर जा रहे मजदूरों को पुलिस ने डंडों से मारा, और पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की काफी वीडियो भी वायरल हुई है। हमारे देश में ऐसा होता आ रहा है क्योंकि उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मीडिया भी हमारे देश में एक ही समुदाय को लगातार टारगेट करता रहता है, वह हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाता रहता है। भारत में अमेरिका जैसे दंगे भड़काने की एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से अमेरिका की तरह देश में मुसलमानों को दंगों के लिए भड़काने की कोशिश की जा रही है। कैसे, इसको बहुत ध्यान से समझेगा, मैं आपको एक बार तफसील से एक बार समझा देता हूँ कि कैसे अमेरिकी हिंसा के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग काम पर। और ये कहा जा रहा है कि जब श्वेतों पर वहां पर देखिए कुछ हुआ तो कैसे लोग सड़कों पर निकल आए। आप लोग क्या कर रहे हैं? भारत के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, बुरा हाल है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? भारत के मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं सड़कों पर? मतलब आप हैरान हो जाएंगे। आप मुस्लिम लाइव मैटर हैशटैग ट्विटर पर हैशटैग मुस्लिम लाइव्स मैटर करके एक ट्रेंड कराकर एक बहुत ही स्क्रिप्टेड तरीके से कहा जा रहा है कि जब अमेरिका में श्वेत के लिए इतने दंगे हो सकते हैं तो भारत में दंगे क्यों नहीं हो सकते भाई? आज हम खबर जमात के उन हमदर्दों से लेने जा रहे हैं जिन्हें लगता है कि मौलाना साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया, तो सवाल है कि फिर वो छिप क्यों रहा है। खबर उन लोगों से भी लेना जरूरी है जो ये कहते हैं कि हम देश से अजीब मोहब्बत करते हैं मगर अपनी माटी को भारत माता की जय कहकर सलाम नहीं कर सकते। बार बार क्यों भारत माता की जय के उद्घोष को मजहबी बंदिशों की कसौटी पर ही परखा जाएगा? जो धार्मिक काम का मरकज था उसे एक मौलाना की करतूत ने कोरोना का केंद्र बना दिया। तबलीगी जमात के जिस मौलाना को इस पूरे कोरोना विस्फोट का कसूरवार बताया जा रहा है वो कौन है? कोरोना फैक्ट्री वाले मौलाना साध की
संपूर्ण कहानी बताने वाली ये रिपोर्ट देख लीजिए। अगर आप आज सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो आपको लगेगा कि भारत के लोग कितने संजीदा हैं। भेदभाव के मुद्दे को लेकर फिल्म स्टार से लेकर इंस्टाग्राम चलाने वाले हर आम नौजवान तक हर कोई आजकल ब्लैक लाइव्स मैटर के संदेश डाल रहा है, जिसकी हम सराहना भी करते हैं। लेकिन यही लोग जब हमारे देश के भीतर ऐसी घटनाएं होती हैं, तब क्यों चुप हो जाते हैं? पुलिस द्वारा, गुंडा तंत्रों के द्वारा अक्सर हमारे देश में अल्पसंख्याओं पर दुर्व्यवहार किए जाते हैं और उन्हें पीटा भी जाता है। हमारे देश यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को देशद्रोही बताकर उनकी लाइब्रेरियों में घुसकर उनको पीटा जाता है। जमीन पर नौजवानों को पीटने के बाद लिटाकर जनगण मन गाने को कहा जाता है, जब तक वे मर नहीं जाते। इतना सब होने के बावजूद क्या आपने तब इन लोगों को स्टूडेंट्स लाइफ मैटर या मुस्लिम लाइव्स मैटर या फिर दलित लाइव्स मैटर कहते देखा है? क्या हमारे स्टार्स को ये सब कहते देखा है? नहीं, तब ना तो ये लोग कुछ बोलते हैं, ना हमारा मीडिया और ना ही हम आम नागरिक, क्योंकि हम इस सब के आदि हो चुके हैं। और हमें ये भी पता है कि अगर हम कुछ भी बोले तो हम देशद्रोही करार दे दिए जाएंगे। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भारत के लोग हमारे देश में हो रहे अत्याचार के ऊपर बोलने की हिम्मत भी रखना शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।